Yeah.
You call me, sir. हमारे मेहमान हैं और ये इनके नाव रुक गई थी और इनके साथी बिछड़ गए हैं. मैंने अपने साथ ले आई. ये मेरे भैया है कार्लो. तुम भैया से बातें करो, मैं पास कपड़े लेके आती हूँ. सॉरी, हमने बुलाया
आया है जल्दी पहले तो यही बता दिया। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। बोलो क्या लो की सजा नहीं दे सकते। हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने खुद अपने खून से धोया, इसीलिए हम उसके सामने सर झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे।
आगे, मैं जानती थी तुम आओगे। वो सोना कहाँ? छोड़ इन बातों को, चलो पीछे। सोना कहाँ? तो तुम मेरे लिए नहीं आओगे, शाम को आना मिला दूंगी। मुझे भी चाहिए, जाओ फोन लेकर आओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। आपने कहा कि हम किसी को उसके गुनाह की सजा नहीं दे सकते, सिर्फ माफ कर सकते हैं। हाँ बेटी। अगर किसी ने गुनाह किया हो और हमें मालूम हो किसने गुनाह किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब कुछ उस पर रहम करम पर छोड़ देना चाहिए। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कर खता करेगी जो जैसे बोता है वैसे ही काटता है, जो आग से खेलता है जरूर जल जाता है। लेकिन बेटी तुम्हारी उम्र ये सब सोचते समझने की नहीं, जाओ खुश रहो। Thank you.
मुझे बचाने के लिए कहना। मैं क्या जानू, तुम जानो तुम्हारा काम। मैं यहाँ तेरी तोड़ी मुझे छोड़ के मत जा। हाँ भैया, ये वही सोना है। रात में खुद उसे छुपाते हुए देखा था और मौका मिलते ही निकाल के यहाँ लिया है। अगर कोई देख लेता तो मैं जाने क्या हो जाता। मेरे दिल में पहले ही गवाही दी थी, ये लड़की मेहमान बनकर नहीं मुसीबत बनकर आई है। और जब कोने ने कहा था कि वो लड़की साड़ी पहने थी तो मुझे कुछ खटकी, शायद ये वो चोर ना हो। सोरे से तो चोर है दीप्ति, जो कुछ उसने किया न जाने किस मुसीबत और मजबूरी किया होगा। जो जुर्म करता है उसे वाले नहीं चाहिए और ये फैसला पुलिस ही करेगी। अच्छे दिल का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमारा फैसला कितना है कि अगर तू गलत रास्ते पर चले तो उसे रोक ले। मारिया, तू नहीं समझती कि वो चिंगारी है जो एक दिन भड़ककर आग बन जाएगी और अपनी लपट में हमारे घर को, हमारे घर के सुख चैन को जलाकर राख कर देगी। मुझे भैया ऐसा मैं बहुत क्यों ना करूं। ये सब चोर है, पक्का है, उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। भैया चोर और इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं वो चिंगारी हूँ जिसके सीने में जन्म के तमाम शोले से मत आए। लेकिन फिक्र न करो भैया, जिस घर ने मुझे आसरा दिया है उसके सुख चैन को बर्बाद न होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठहरो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, पुलिस आ रही है। पुलिस? हाँ, मैंने सैनिक को भेजा है, पुलिस में खबर कराए। अच्छा किया। जो जैसे देता है उसे वैसे ही काटना पड़ता है। मैंने भी तो बुरा किया है, लेकिन कभी मैं भी सीधी सादी और ईमानदार लड़की थी। मेरा भी घर था, माँ बाप थे, हंसी खुशी के दिन थे। और अचानक एक तूफान की तरह वो मेरे जीवन में आया और अपने सुनहरे जाले मुझे फाड़ दिया। और एक कितनी कमजोरी बेबस होती है। मैं उस जाल में फंस कर भी खुश थी, घर बार को छोड़ दिया, अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में आई। उसके प्यार की खातिर सब कुछ किया जो मैं करना था वो भी किया। यहां तक कि चोरे बदकार हूं सब चुके। और वो आदमी अब बताने से क्या फायदा, अगर वो मुझे मिल जाए उसकी गड्ढी तोड़ दूं। फिर खुशनसीब पर ये एहसान करने वाली हो मारिया, अगर इजाजत हो तो गर्दन हाजिर है। इधर दम निकला, इधर जन्नत में दाखिल। अरे तुम सब चुप क्यों हो? तुमने तो बुलाया था निकालो। हाँ गणेश, लेकिन तुम जरा देर से आए। नारे वो आरब साहब मेरे पीछे हाथ धोते पड़े, हिंदी और आर्मी में सोना मांग रहे हो। जब मैंने मना कर दिया था तो तुम इनको यहाँ लाए क्यों? अरे नहीं लाता तो अगर किसी ने देख लिया तो माया हुई और थी तकसीब क्या है क्या बक रहे हैं? ये सोना मांगना वो इसका कैसे मिल जाएगा? सुनना महार है। भगवानी हो यदि मस्त कहते उनसे, अगर मुझका भरोसा नहीं है तो ढूंढ लें किसी और। या तुम सुनो नमना तमित कुम अल खुद रजन हो गए नमस्कार नमस्कार।
ان شان معاشرت به ولكن رجل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کچھ کرتے نہیں بیکار بیٹھے بیکار نہیں کام کر رہا ہوں ایک بڑی اچھی ترتیب سوچی کیا جب ان سے وقت آئے گا تو بتا دوں گا یقین سنور انا مصروف دل عمل و الا فی تقدیر انا تقدیر حسن جا تو بھی جا سنور پانچ روپے دو نا ارے جا نہیں میرے پاس بال بچے بھوکے مر جائیں گے سنور ارے چال لے چاچا یہ اچانک موسم کا بدلنا تو مستفید کر دے گا مصیبت ہی مصیبت تو ہے بھیا سمندر میں دور تک جا پانے نہیں اور کرارے پر مارا تھا ملے گا نہیں اور میں نے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچائی ہے اب مالک ہی جانا یہ دن کیسے کٹیں گے فکر نہ کرو چاچا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چلو کھڑا کھڑے کرے آپ کیوں رہی تمہیں بھوک نہیں لگی ابھی تک ارے تکلیف تجھے ابھی بھوک لگتی ہے اسے لگی کہاں کیا بھوک نہیں لگن چھوڑ ابھی یہ سب دل لگی ہے دل لگانا دل لگی نہیں ماریا تیرے دل کو ابھی لگی کہاں لگا کیسے سارے گاؤں کے دلوں کو سب تو پھانس بیٹھے اب میرے لیے رہائی کون ایا ماریا موسم کی برسات تو مصیبت کر دے گی سارا کام جلدی جلدی سمیٹنا پڑے گا اور کام کرنے والا میں اکیلا ہوں کچھ نئے آدمی رکھ لو نا نئے آدمی ملتے کہاں ہیں شہر جانا پڑے گا وہ جاتے کیوں نہیں سوچ کر رہے سوچ رہا ہوں کہ جانا تو چاہیے لیکن دل نہیں چاہتا کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں کیا بھروسہ تمہارا تم کسی اور کے ساتھ دل لگا بیٹھو اور میں ساری عمر اپنی قسمت کو روتا رہوں ٹھیک ہے نا ماریا تم چپ کیوں ہو گئے ہاں کیا کہا میں نے سنا نہیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو تمہیں کھول بیٹھو والی اگر ایسا ہو جائے تم کیا کرو پانی کی کمی نہیں ہے میں وہاں جا کر ڈوب مروں گا مجھے پہلے ہی بتا دینا میں اس سے بھی اچھی طرح جھوٹ نکالوں گی تم بڑے بے ہم ارے سامنے تم پانی تو لاؤ ہی نہیں بھول گیا ابھی آتا ہوں یہ کیا بتن ہے میں بھی کوئی گائے بتن ہوں جو گلے میں دوری ڈال کے کھینچ لیا تم چاہتا کیا نہیں جانتی میں کیا چاہتا ہوں نہیں اور کبھی حال ہو جاتی اچھا اور جب وہ نہیں کہتی ہے تو اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے اور جب وہ ہاں کہہ دے تو وہ عورت نہیں باتیں بنانا تم سب جانتے ہو اور کچھ کہنا ہے تمہیں جو اچھی لگتی ہے
पास लोगों से लगे मिलने की जरूरत है। तुम दूसरों का पीछा ही क्या करते हो? तुम्हें कुछ काम धंधा भी है? अभी तक कुछ और तलाश कर रहा हूँ। तुम मछलियाँ खरीदते थे ना? हाँ, लेकिन उसमें कुछ फाटा रहा। सोचता हूँ मछलियाँ पकड़ने में फायदा रहेगा। फायदा क्यों रहेगा? रहेगा ना, तो फिर सामने से कहना उसे कुछ आदमियों की जरूरत है। दिल भी चुके हम दिल नजराना दिल का दिल भी चुके हम दिल नजराना दिल का अब छोड़ो भी छोड़ो भी राग पुराना दिल का छोड़ो भी राग पुराना दिल का एक नजर में हार चुके हैं दिल को एक नजर में हार चुके हैं दिल को तेरी अदा को गार चुहा दिल को मुश्किल है अब लौटाना दिल का जा जा छोड़ो भी राग पुराना दिल का जान दिखाई वाले जान दिखाई वाले अरे दूर चुके हम दिल में गिराना दिल जीन के दिल आशिक कम करने वाले जीन के दिल आशिक कम करने वाले मर मर जाएंगे तुझ पर मरने वाले है छोड़ दिल जाल में तड़पाना दिल का छोड़ दिल जाल पुराना दिल का भेद चुके हम दिल न गिराना दिल का बहाना दिल का छोड़ो भी राग पुराना दिल का सुना तुम्हें कुछ आदमियों की जरूरत है? किसने कहा? तुम्हारे किसी साथी ने जिसने कहा है उसे से पूछ लो। मेरे पास तुम जैसे आदमी के लिए कोई काम नहीं। क्या मतलब? कभी मछलियां खरीदते हो, कभी मजदूरी मांगते हो। मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। क्या कहूं? मैं क्या बलवान हूं?
भैया दाम भी अच्छे मिलेंगे, मालिक ने हमारी सुन ली, अब बरसात आराम से कटेगी। किसी नसीब वाले के हाथ लगे हो नसीब वाले तो फिर नौकरी मिलेगी। अरे मारिया तू बड़ी खुश है, कुछ हाथ लगा है? अरे कुछ ना पूछो भैया, इतना भारी था जाल कि खींचे नहीं खींचता था। सैमन जो चार्ली सभी तो थे, हारते सबके सब। मैंने सोचा चलो बेचारों की मदद कर दूं, बस मेरे हाथ लगने की देर थी कि जाल बाहर। क्या बताऊं भैया, जाल लपा लप भरा हुआ था मछलियों से, ऐसी चमक रही थी जैसे चांदी, बस अब चांदी ही चांदी, बरसात कल की आती आज आ जाए, कोई फिक्र नहीं। मारिया मालिक का शुक्र है। और भैया हमें किसी और का भी शुक्रिया अदा करना है। वो कौन है? और टोनी। टोनी टोनी कौन? टोनी फर्नांडिस। मालिक तुम्हें कुछ रखे भैया, अभी हमारे साथ काम क्या करेंगे, सैमन ने बहुत बहुत कहा तब माने। बड़ा अच्छा हुआ। अरे मारिया डिशा से क्यों थे, ये भी खाना ही खाएंगे। अच्छा मैंने तुम्हें नौकरी दी है ना, तुम उस लड़की के रास्ते में ना आओ, तुम्हारा रास्ता अलग उसका रास्ता।
पचास साल और आपका जो उसका रास्ता वही मेरा रास्ता है। बहुत अच्छा जवाब, लेकिन जरा होशियार है ना, रास्ते में कांटे भी होते हैं। तुम उसकी फिक्र न करो, मैं कांटे को भी संभाल लूंगा। अच्छा तुम बड़ी मजेदार बातें करते हो, तुम्हारा गांव कहाँ है? जी बाजदेश, यही पहाड़ियों के उस पार, वही हमारी खेती बाड़ी थी, पूरा और सब बर्बाद हो गया। फिर आप? जब से मेरा होश संभाला बॉम्बे में रहा, वही कामकाज करता है। तो अब तुम बॉम्बे जा रहे हो? जी हाँ बॉम्बे। तो भी बॉम्बे चाहिए। अच्छा, और ये कह रही थी तो बंबई बड़ा अच्छा शहर है। और शहर तो अच्छा है, देख ले। क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ा खूबसूरत शहर है, वहाँ सब कुछ है, दिलकश दुकानें, जगमगाते हुए रेस्टोरेंट, समंदर का किनारा, हर जगह चहल पहल, पैसा हो तो जन्नत है। ठीक है रमेश जी? जी हाँ, पैसा हो तो। एक गिलास पानी मिश्री से बोला क्यों? बॉम्बे में पैसा कमाना तो बाएं हाथ का खेल है। बॉम्बे में क्या, धोखे और बेईमानी से पैसा कमाना तो हर जगह आता है। ठीक है, बात असल ये है भैया कि वहाँ एक से एक चोर बेईमान भरे पड़े। हाँ, पैसे की हवस इंसान को शैतान बना देती है। यही तो मैं कह रहा था, बॉम्बे में सब कुछ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं, जो यहाँ शांति, मन का सुकून, इत्मीनान। रंग जमाने का तुम्हें अच्छा मौका मिल गया, तुम तो यहाँ से चले गए थे ना, फिर कैसे आ गए? तुम क्या समझो इन बातों को? समझी, तुम यहाँ सुकून ढूंढने आए हो, मारिया को देखकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता होगा ना? सुकून तो सिर्फ एक चीज से मिलता है, समझे? एक ऐसा दाव सोच कर आया हूं कि लग गया तो बस मार ली बाजी। और पट गया पट तो भी, अरे शर्माती क्यों है, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। तीन भी नहीं, तीन लड़के मर गई। अरे पगली मर गई तो डर गई, जा मैं तो शादी में करूँ। मारिया और तुम भी हाथ दिखा, अशुमाली लाओ हाथ। तुम्हारा हाथ देखिए, क्यों क्या है? और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है, बताओ ना। एक साया है तुम दोनों के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे भाई, एक अजनबी का साया, अजनबी एक हसीन नौजवान, साया बढ़ता जाएगा,
एक भयानक साया और क्या और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ तो बताओ। बताओ मानोगी? हाँ हाँ। तो सुनो, उसका साथ छोड़ दो, उसके साय में छींटे हैं खून के छींटे। मरे हुए को मारने से क्या मिलेगा? उधर निशाना लगाओ, लग गया तो इनाम पाओगी। देखो इसे यहां लगाओ कांधे से। हाँ, अब आंख बंद करो। अब मिलाओ निशाना इस मक्खी से। शाबाश, ठीक है, शूट। वन टू। तुम तो बड़ा अच्छा निशाना लगा लेती। ओ, निशाना लगा रही हो मारिया, लगाओ लगाओ। तुम कोई निशाना लगाती हो मारिया? तुम तो हमारे साथ पुलिस में भर्ती हो जाओ तो बहुत अच्छा हो। मैं भी समझता हूँ, बड़े समझदार मालूम होते हैं आपसे लोग। आपसे शायद पहली बार मुलाकात करने की इज्जत हासिल कर रहा हूँ। जी ये मेरी बदनसीबी है कि आज तक आपके दीदार नहीं हो सके। वरना आप हमारे पुलिस ऑफिसर और मंदिर में सुनो, हवलदार और साला भी सुनो। सुनो तुम्हें उम्मीदवार और आप मुझसे घर हमारे साथ ही काम करते हैं। मुंबई से अभी अभी आए। ओ, बम्बई से आए हो? तब तो आपसे बड़ी मदद मिलेगी। सुनो जी फरमाइए। नहीं अभी आप तकलीफ न कीजिए। छोकरी का पता लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। कौन छोकरी? वही तो सुनाने की बात थी। हाँ वही, लेकिन अब एक वहां भी निकल आया। वहां? ये वहां कौन है जी? क्या बताऊं सिनोर, और उसी छोकरी का साथी बदमाश। चलो टोनी झूले का बैठ। हाँ बात टोनी, मुझे नहीं बिठा दो चले आइए सर। आज बहुत खुश नजर आती थी। मेरी एक बात मानो थी। कहो। कहीं से दूर रहो। ट्रेन से दूर हूँ? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। क्या मतलब? सांप को देखकर इंसान उसे फौरन पहचान जाता है, लेकिन ट्रेन को पहचानना मुश्किल है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। तुम ट्रेन को कब से जानती हो? मैं उसे अच्छी तरह जानती याद है मैंने कहा था एक जालिम तंदिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे पैरों तले कुचल डाला। हाँ हाँ याद है, वो जालिम तंदिल यही है मारिया। तुम ही? हाँ तुम। हेलो सैम, तुम्हें क्या हो गया मारिया? कुछ तो नहीं। पता नहीं चलता ये तुम सो रही हो या जाग रही हो। एक बात पूछूं सैम? तुमने मोहब्बत की है ना? मोहब्बत की नहीं जाती मारिया, मोहब्बत हो जाती है। कैसे?
मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वो आगे जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे मेरे दिल में भी यही आग लग चुकी है और तुम्हारी लगाई हुई है। जानी, ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मारिया, मैं जानता था कि तुम आओगे। अच्छा, जैसे लहरें बेचैन होकर किनारे की तरफ लौटती हैं, जैसे परवाना लपक कर क्षमा की तरफ आता है, मैं जानता था तुम भी उसी तरह मेरे पास आओगे। मैं परवाने की तरह तुम पर निशान होने नहीं आई, मैं यही कहने आई हूं कि तुम यहां से चले जाओ। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कल तक मैं रहमत का फरिश्ता था और आज गंदी मछली बन गया, क्या यही कहने आई थी? हाँ। झूठ। तुम इसलिए आई हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम देर तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। मेरे बिना तुम्हें चैन नहीं आता। ये सब झूठ है। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो मारिया। मुझे तुम्हारी तरह धोखा देना नहीं आता। ओ, समझा। अगर समझ गए हो तो जाते क्यों नहीं? उसने तुम्हारे कान भरे हैं, तुम्हें भड़काया है, तुमसे कहा है कि मैं बुरा हूं। कौन कह सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? इंसान फिर इंसान है, जो आज अच्छा है कल बुरा भी हो सकता है और जो आज बुरा है कल अच्छा भी हो सकता है। लेकिन मैं अच्छा हूं जो बुरा, जो कुछ हूं तुम्हारा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब तो हम बातों से बना लेते हैं। माया, अब तुम्हें अपना जाल फैलाना भी खूब आता है, लेकिन मैं उस जाल में नहीं आने वाली। मैं तुम्हें पहचान चुकी। माया, मुझे तुमसे नफरत है। नफरत की मोहब्बत का दूसरा नाम है माया। तुम मुंह से चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारी आंखों की चमक बता रही कि तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत की आग भड़क उठी है। माया, जो आग से खेलता है जरूर जल जाता है। इसी जलने में तो मजा है मारिया। कितनी सुहानी होगी आज की राह, चांदनी में नहाई हुई हसीन दिलकश राह, और आज रात तुम मेरे पास आओगी। ये नहीं हो सकता। तुम आओगी, मैं जानता हूं तुम आओगी। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारी समझ तुम्हें रोकेगी, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें ले आएगा। तुम आओगी मेरे पास, उस दरवाजे पर चांद की रुपहली किरणें तुम्हारी सुनहरी जुल्फों से खेलेंगी, हवा के हल्के हल्के झोंके बार बार तुम्हारा मुख चूमेंगे और तुम मेरे ध्यान में खोई हो तभी जबान में कहोगी, तुम ही आ गई। तुम आओ, मैं जानता हूं तुम आओ। Ha 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 ha
Thank you.
कौन रेसा? मैं हूं मारिया। मारिया कहां थी तुम? रात भर में नहीं आई, सुबह होते ही गिरते चली गई थी। तुम्हें क्या हो गया है मारिया? कई दिनों से तुम चुपचाप रहती हो, बात क्या है? कुछ भी तो नहीं भैया। तुम रो रही हो, तुम्हें जरूर कुछ दुख पहुंचा है, इससे कुछ मैं छुपा मारिया। मैंने तुम्हें गोद खिलाया है, तुम मेरी बहन नहीं बेटी के बराबर हो। बता मारिया। कार्लो भैया, कार्लो भैया सालिन बुला रहा है। क्या बात है मारिया? लाल है मारिया, कोई चिंता पड़ गया है क्या? हाँ शायद। तुम अच्छे नाराज हो? नहीं तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हें, और जिससे प्यार करते हैं नाराज नहीं होते। तुम बड़ी अच्छी हो, आज रात मेरा बाजार डांस है, चलोगे? तुम कहो और मैं ना चलूं। मारिया बात क्या है? एक कुछ नहीं, तिनका बढ़िया से निकल रहा हूं। टिंका निकाल रहे हो? निकालो निकालो। सिनोर डोन पेड्रो और मंडल गोमेज कई क्या हाल चाल? हाँ तो गोमेज वो आपके कहाँ तक चल रहा है? सिनोर 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 सिनोर। तो आप क्या कह रहे थे सिनोर? मैं ये कह रहा था सिनोर कि आपके इस वहां का क्या बना? अरे सिनोर अगर छोकरी मिल गई तो छोकरा भी मिल जाएगा, अगर बुद्धि मिल गई तो भाग भी मिल जाएगा। तो आप कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं क्या? और भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है, मैं तो यही बैठे बैठे सार गया था। सुनोर आपका क्या जवाब? मैंने कुछ तस्वीरें मंगवाई है बड़े दफ्तर से, बनवा होगी आ जाए तो फिर देखता हूं मेरे पंजे पे बच्चे कहां जाता है ये दुआ। सीनियर औरों के पंजे से तो कोई बच भी जाए, लेकिन डॉन पेड्रो और मंगल द गोमेज और मंगल द गोमेज के पंजे से कोई नहीं बच सकता। नहीं पीओ वाला साहब मेरी जान खा रहा है हिंदी अलर्जी में। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पूछो क्या बात? यो साले माल अम्र सहु माजरा तबदी हसन इन्ना मदकुन्ना नाचन। तो क्या बता रहे हैं भाई? लोग बोलते हैं कि वो आपकी बढ़िया तरकीब क्या हुई, हम यहाँ पर कब तक मक्खियां मारेंगे? ये तो सब इंतजाम कर दिया है, अब हम सोना खुले समुंदर चले जाएंगे। ये बात है या कुल शेख मुकम्मल इंतजाम हो? मरहबा मरहबा। अयुजबे बिजदाद तरीकुन बैयन लाकिन कैफ मिन आयनात बिजीज सफीर।
पूछते हैं कश्ती कहाँ से आएगी? जरूर से गधे हैं, जहाँ तो सुनो खाली खुले घर में जाएंगे हमें। दोनों का इंतजाम कभी गलत नहीं होता। और फिर मौला भी तो फंस गई है। एक ऐसा तदबीरुन हसनुन सोचा है कि ना कस्टम का झगड़ा रहेगा और ना पुलिस का डर। आ नहीं बल्ले बल्ले समझा दो इनको। अरे साहब बात ये है तो कुछ अपने को भी खटाओगे ना। नहीं बल्ले बल्ले अभी नहीं समझाना पड़ेगा तुम्हारे को। कह रही हूँ कि तुमने मोहब्बत में ठोकर खाई है। वो तुम्हें नहीं चाहता, वो मुझे चाहता है। उसने खुद मुझसे कहा है वो मोहब्बत जताना आसान है मारिया, निभाना बड़ा मुश्किल। वो किसी को नहीं चाहता, वो सिर्फ दौलत चाहता है और दौलत के लिए वो अपने आप को अपनी मां को दे सकता है और तुम्हें भी। सोने की चेन खरीद कर लिया। फिर क्या हुआ? क्रिसमस की रात थी, शहर घर लौटा और अपनी बीवी को देखकर हैरान रह गया। पूछने लगा तुम्हारी सुल्फे? बीवी ने मुस्कुराकर कहा देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चेन लाई हूं, अब तुम अपने घर ही पहन सकते हो। लेकिन तुम्हारी सुल्फे मैंने बेच डाली। क्यों? तुम्हारे लिए चेन खरीदना था। लड़का चुप रह गया, उसका चेहरा मुरझा गया। कहने लगा अब मैं इस चेन को लेकर क्या करूंगा, मुझे भी तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदना था और मैं अपनी घड़ी बेचकर तुम्हारे लिए एक चांदी का कंघा ले आया हूं। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें में, काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मारिया दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हाँ कर सकती है, और ये है वो ताकत। इसको हासिल करने के लिए तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो और इसी के लिए मारिया जैसी न जाने कितनी लड़कियों को ठुकरा सकते हो।
समझा तुम ये जहर क्यों उगल रही? तुम मुझसे बदला लेना चाहती जो तुम चाहती थी वो मेरा जहर, इसलिए जो मैं चाहता हूं तुम उसे छीन लेना चाहती हो। ये सब झूठ है, इसकी बातों में ना आ मारिया। चलो टोनी। मारिया मैं तुम्हें टोनी से बचाना चाहती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, अपने घर में पनाह दी, तुम्हारा मुझ पर एहसान है मारिया। अगर एहसान का बदला चुकाना चाहती है तो हमारा वक्त बर्बाद न करो, जाओ घर जाओ। आओ मारिया। मारिया तो तुम कहाँ गई थी सर? यही जरा घूमने। मारिया कहाँ? ऊपर सो रही होगी। झूठ, मैं शाम से उसका इंतजार कर रहा हूं, मारिया घर में नहीं है। तुम खामोश क्यों हो? बोलो लिसा, क्या बात है, कहां है मारिया? सानू, तुम मारिया को चाहते हो ना? तुम नहीं समझ सकते कि मैं उसे कितना चाहता हूं लिसा। तो फिर यहां खड़े क्या कर रहे हो? मारिया गलत रास्ते पर जा रही है, जाओ उसे रोको और समझा कि टोनी उसके प्यार के काबिल है। टोनी? मारिया टोनी को चाहती है? हाँ सानू, मैं उसके प्यार में अपने आप को, घर बार को और कार्लो को भी भूल चुकी है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने एक न सुना। कहाँ गई है वो? वो दोनों डांस पर गए। सानू, टोनी वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। लिसा, अगर कार्लो ने सुन लिया तो? Thank you.
ना दिखे ताना खले के को बुरा है जमाना समझ कर दिल को लगाना देखो बुरा है जमाना उन सूरत का धोखा न खाना देखो बुरा है जमाना धोखा न खाना धोखा न खाना धोखा न खाना ना 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 से मिलने की कोशिश की नहीं दो गए क्यों कोई खास बात है आज सगाई हुई है मारिया से कल शादी होगी खूब नाच रंग होंगे ओ ब्याह कर रहे हो करो करो और जब मुसीबत में फंस जाओ तो चले आओ दोन पदरों और मंदरों में इसके पास वो मसल तो तुम्हें याद होगी कुमारों के अरमान ब्याहे पशेमान Thank you.
जाएगी। तुम आ गए ढूंढी, अगर तुम अब भी मारते तो मैं तरफ तरफ के मर जाती। मारिया, तुम इतनी गर्मी से दूर रहे। परवाना क्षमा से और भंगरा फूल से देर तक दूर नहीं रह सकता, और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं टोनी, मुझे ना छू, मेरी मम्मी हो चुकी है सैनिक के साथ। इसीलिए तुम्हें आया, तुम्हें अपने साथ ले जाने। नहीं टोनी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे चाहती हो तुम आओ। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आज रात को अपनी कश्ती में चट्टानों के पास आओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस सरहद के उस पार एक मोटरबोट हमें तैयार मिलेगा। लेकिन मैं भैया को कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम मुझे चाहती हो या अपने भैया? मैं तुम्हें चाहती जरूर हूँ टोनी, लेकिन मैं ही तुमकी अंधी आंखों की रोशनी हूँ। अगर मैं चली गई तो उनकी दुनिया बिल्कुल तारीख हो जाएगी। नहीं मारिया, लीसा उनके पास है और साइमन, और यूं ही तो एक न एक दिन अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी। आओ मारिया। वो किसी को नहीं चाहता, वो सिर्फ दौलत चाहता है, और दौलत के लिए वो अपने आप को, अपनी मान को बेच सकता है, और तुम्हें भी। याद है मैंने कहा था एक जालिम कंदिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे पैरों पर कुचल डाला। हाँ याद है, वो जालिम कंदिल यही है मारिया। तुम? हाँ तुम, उसके साय में चीते हैं, खून के चीते, खून। मारिया, मारिया, आओ मारिया। लेकिन कैसे चलूं? मैं कमजोर हूं, अकेली, और औरत के लिए मौत अच्छी है, और नानी गई है। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, याद है? तो फिर ये शक क्यों? मुझ पर भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। कहीं तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा साथ न दिया तो? तुम्हारा शक कैसे दूर करूं मारिया, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें चाहता? मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वादा करती हूं? तो फिर मालिक के सामने वादे का इकरार करो। हाँ मालिक, मैं इकरार करता हूं कि जिस तरह आज तेरे सामने मारिया को अपना बना रहा हूं, उसी तरह दुनिया के सामने भी अपनाऊंगा और साथ निभाऊंगा। जब तक कि मौत हमें एक दूसरे से जुदा न करती, जब तक कि मौत हमें एक दूसरे से जुदा न करती। इस जगह मारी अपनी कश्ती में मुझे मिलेगी, किनारे किनारे यहाँ आ जाएंगे और फिर सीधे सरहद तक पहुंच जाएंगे। इनसे कहो मोटर बोट में मेरा यहाँ इंतजार करें। हाजा मुकामो अलल मुलाकातुल मारिया तजरिया मिन होना अकालत अलल सरहद। खुदा मोटर बोट मुतहय्यिन यश्न कुमार होना का सुबह अल्लाह को डरो। ये मारिया की कश्ती है। अच्छा, सूरज डूबते ही इसमें माल लाद कर अच्छी तरह छुपा देना और उछाड़ देना। अच्छा।
गरम होता है रब साहब, अभी आता ही होगा। अरब साहब आज सची में तू टोली अहमदिल्ला मरहबा
सलाम। आई ना जहरी सोना सोना सोना, ये सब क्या है दोनों? बता दो जल्दी जवाब दोनों। इनका सब इंतजाम ठीक है? ये कौन है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं दोनों? शट अप। चलो तमाशा इन हजाम वन्ना। कहते हैं ये साथ नहीं जाएगी। क्यों? अरे पहले भी लड़की साथ थी, इसीलिए मुसीबत आई। क्या मतलब? लड़की या सोना, दोनों में से एक चुन लो। मारिया
आएगा। तुम जाती जाओ, बंदूक फेंक दो और अपने जुर्म की सजा का मुकाबला करो। तुम चाहती हो तो मैं अपनी जवानी के बाहर जेल में सिसक सिसक कर पैर दूं और आखिर कुत्ते की दलील मौत मत दो। इससे पहले मैं इन सबको खबर कर दूंगा। तुम मुझसे कह रही हो कुमारिया, मैंने लीसा की जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें धोखा दिया, यहां तक कि दौलत की खातिर तुम्हें बीच समुद्र में तनहा छोड़ दिया। कुमारिया मैं इतना बुरा हूं कि तुम भी मुझे बचा नहीं सकती। मैं बहुत बुरा हूं। याद है एक दिन तुम्हें कहा था जो आज बुरा है कल अच्छा भी हो सकता है। लेकिन मारे किस उम्मीद पर किसके सहारे? सहारा देने वाला तो बस वही। तुम माली पे भरोसा रखो, एक दूसरे दिन सब उसी के सहारे बीत जाएंगे। ये मेरी दुआएं और मुकद्दस पाक का निशान तुम्हारे साथ है। दिल का चैन और मन की शांति जिसे तुम सोने और चांदी के टुकड़े में ढूंढते रहे वो अगर कहीं है तो इसी निशान के साए में है। जाओ तुम सच्चाई के रास्ते पर कदम बढ़ाकर तुमने मेरी मोहब्बत का आसमानी बरकतों का ताज पहना दिया है। जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं इसी रास्ते में तुम्हारा इंतजार करूंगी।